सो गाइस, जैसे कि आप लोग ने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि भाई ग्रैनी सिंचन को बहका करके अपने घर के अंदर ले आती है, उसके बाद सिंचन को एक डंडा मार करके बेहोश कर देती है और अपने भूतिया घर में सिंचन को किडनैप करके रख लेती है। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि सिंचन सुबह से मिल नहीं रहा था और सिंचन को खोजने के लिए इधर उधर जाता है बट सिंचन कहीं भी नहीं मिलती। सिंचन वापस फ्रैंकलिन के साथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आज के इस वीडियो में देखते हैं। सो गाइस, यार सिंचन अभी तक नहीं मिला है। भाई यार, मुझे एक दिन हो गया सिंचन को ढूंढते ढूंढते, बट मैंने पूरा लॉस सैंटोस छान मारा, बट यार मुझे फाइनली ग्रैनी का हाउस मिल चुका है। लेकिन यार उसका हाउस बहुत ही दूर है शहर से और भाई बहुत ही डेंजर है, मतलब कि एकदम भूतिया टाइप का बंगला है। इसीलिए यार मैं अकेले नहीं जाने वाला, मैं यार हेल्प लेने वाला हूं अवेंजर्स लोग का, क्योंकि भाई वो ये सब चीज में माहिर है। मतलब कि वो लोग तांत्रिक वांत्रिक नहीं है, भूत उतने भगाते, बट हाँ वो लोग भाई बहुत ही ज्यादा बहादुर है, वो मेरा हेल्प करेंगे यार। और फिर उसके बाद में सिंचन को बचा लूंगा वो ग्रैनी के चंबुल में। मतलब कि भाई सोचो, सिंचन खा पी रहा होगा कि नहीं खा पी रहा होगा, मेरा प्यारा सिंचन, मेरा भाई, भाई साहब वो चॉकलेट चिप्स के बिना एक दिन रह नहीं पाता था। पता नहीं उसे खाना मिला होगा भी कि नहीं मिला होगा, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। मुझे तो भाई सोच सोच के ही बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक कमेंट करके मुझे ये नहीं बताया है कि सिंचन अभी कैसा और किस हाल में, तो यार आप लोग बहुत बुरा कर रहे हो। जल्दी जाओ और मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, भाई साहब सिंचन अगर नहीं मिला ना तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन मारा बट यार पुलिस वाले बोलते हैं जब तक यार 24 घंटा मतलब कि पूरे 24 घंटा नहीं हो जाते तब तक हम लोग सिंचन का रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। और भाई अभी 12 ही घंटे हुए, मतलब कि मुझे 12 घंटा और वेट करना पड़ेगा और मैं इतना वेट नहीं कर सकता। मतलब कि कल यार सिंचन भुला चुका था, एक शाम बीत चुका है, लेकिन आज मुझे कुछ भी करके सिंचन को ढूंढना ही पड़ेगा। पुलिस वाले लोग कुछ करने वाले नहीं है, मदद करेंगे तो सिर्फ अवेंजर्स वाले लोग भी मदद करेंगे, और वरना तो मैं ही कर लूंगा। देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यार मैं सिंचन को वापस से लेके आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्या पड़े, लेकिन यार सिंचन को मैं ग्रैनी के चंगुल से बचा के यहाँ पे जरूर लेके आऊंगा। आई होप यार सिंचन अभी सही सलामत हो। सुबह तो हो चुका है, चलो वो बच्चे को देख लेती हूँ। वो बच्चा क्या कर रहा है, अगर वो बच्चा उठा होगा तो उसे खाने का कुछ दे दूंगी। चलो जाती हूँ नीचे और देखती हूँ बच्चा क्या कर रहा है। ओ मेरे छोटे मोटे बच्चे, कैसे हो तुम, कहाँ पे हो? अरे दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही घुटन हो रही है, मतलब कि मैं तो यहाँ पे रह ही नहीं पाऊंगा। अरे लगता है ग्रैनी आ रही है, मुझे फिर से डर लग रहा है। बच्चा तुम कहाँ हो? अरे बाप रे, ये तो ग्रैनी तो आ गई। अरे प्लीज मुझे जाने दो। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे फ्रैंकली भैया के पास वापस से जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी कहा, अभी तो मेरा मन पूरा हुआ ही नहीं है तुम्हें छोड़ने का, अभी तो मजा आएगा। अगर जानना चाहते हो तो खुद जाके देख लो। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ग्रैनी किसी को जाने थोड़ी ना देती है। ये लो, ये लो, फिर से बेहोश हो जा तुम। ये लो, यहाँ पे खाना खाओगे, खाना खा लो। अरे बाप रे, जिन तो मुझे मार के बेहोश ही कर दिया। अब दूसरे दिन ट्राई करना, आज के दिन तुम सो जाओ। इसी तरीके से मैं इसे रोजाना सुला देती हूँ सुबह सुबह, फिर दोबारा से उठता है, दोबारा से सुला देती हूँ। है ना मैं कमाल की ग्रैनी दादी। तो चलो, तो यार हम लोग आ चुके हैं अवेंजर्स हाउस। अब यार जल्दी से अवेंजर्स लोग को बोलते मेरे साथ चलने के लिए, सिंचन को बचाने के लिए। आई होप यार सारे अवेंजर्स अंदर ही होंगे। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो सारे अवेंजर्स है। अच्छा वो तुम लोग सब मुझे मिल गए। पता है आयरन मैन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मतलब कि सिंचन पता है ग्रैनी के कब्जे में आ चुकी है, वही बूढ़ी दादी जो किसी को भी जाने नहीं देती। प्लीज यार मेरी मदद करो। अच्छा ऐसी बात है फ्रैंकलिन, तो हम तुम्हारा जरूर मदद करेंगे। सिंचन मेरा भी बहुत ही प्यारा दोस्त है, मैं उसका मदद जरूर करूंगा। सिंचन को हम लोग सब मिलकर बचाएंगे, क्यों अवेंजर्स साथी हो? हाँ बचाएंगे आइले सर जी, बचाएंगे। हाँ बचाएंगे, हल्क बचाएगा, कैप्टन अमेरिका भी बचाएगा। अरे वाह, मतलब कि ये सब मेरा साथ दे रहे हैं। सो गाइस, अगर आप भी साथ देना चाहते हो मेरा, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जल्दी जाओ इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करोगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा और हम लोग सिंचन को बचा पाएंगे। तो चलो मेरे जवानों, हम लोग चलते हैं। रुक जाओ फ्रैंकलिन, तुम किस में जाओगे, मतलब कि कौन सी गाड़ी लेके आयो? अरे भाई साहब, मैं चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी लेके आया हूँ। नहीं, हम लोग सब इसमें नहीं जा पाएंगे। रुको, मैं जार्विस से कह के एक खतरनाक सा गाड़ी निकालता हूँ जिसमें हम लोग सब मिलके जाएंगे। अरे हाँ भैया, तुम अपनी गाड़ी निकालो, सब मिलके एक साथ जाएंगे और ग्रैनी के घर में हमला कर देंगे। आ जाओ मेरे साथियों, हम लोग सब ये गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, किसी को भी शक नहीं होगा कि हम लोग अवेंजर्स भी नहीं है और टूरिस्ट है, सबको यही लगेगा, और फिर हम लोग ग्रैनी के घर में घुस जाएंगे।
चलो ठीक है, सब लोग अंदर बैठ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई साहब, मतलब कि अंदर सब लोग टूरिस्ट की तरह बैठ चुके हैं। चलो भाई बढ़िया है, हम लोग सब अंदर बैठ चुके हैं। अब यार हम लोग जल्दी से जाएंगे किराने के घर और वहाँ पे जाके हमला कर देंगे और शिनचैन को बचा लेंगे, क्यों अवेंजर्स? अरे हाँ सही बोला फ्रैंकलिन, अभी हम लोग शिनचैन को बचाने के लिए ग्रैनी के घर जाएंगे और उसके बाद ग्रैनी का घर भी चला देंगे। देख लेना, ग्रैनी इस बार हम लोग से नहीं बच पाएगी। अरे हाँ भाई, इस बार ग्रैनी को तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि उसने शिनचैन को किडनैप किया है, हमारे प्यारे शिनचैन को, इस बार तो सच में उसकी खटिया गाड़ी कर देंगे। बस यार जल्दी जल्दी चलो ये गाड़ी को, मतलब कि जल्दी से चलाओ, इतना धीरे चलाओगे तो हम लोग कल पहुंचेंगे, बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाता हूँ, तुम लोग सब अपना सीट बेल्ट लगा लो। अरे भाई साहब इसमें सीट बेल्ट ही नहीं है, जो करना है जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मैं अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तुम लोग सब आराम से बैठना। अरे भाई साहब ठीक है, जल्दी से बढ़ा दो, एक बार में ही पहुँचा दो। ठीक है ये लो बूस्ट। अरे बाप रे, इतना भी स्पीड नहीं बोला था मैं, ये क्या कर डाला, ये तो एक्सीडेंट कर डाला भाई। सो गाइस यार पहुंचते पहुंचते रात हो गई, देख रहे हो मतलब कि रात होने वाली है, सूरज ढलने वाला, और मुझे क्यों लगता भाई कि ये घर में भूत हो और बहुत ही भयानक सा साया है। तो सॉरी अवेंजर्स और फ्रैंकलिन, हम लोग सब आ चुके हैं, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, उससे पहले हम लोग को घर के अंदर घुस जाना है। अरे हाँ भाई ठीक है। ठीक है यार चलो अंदर चलते, मैंने टॉर्च ले लिया है। एक सेकंड, तुम लोग भाई हथियार लेके जा रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, मतलब कि अगर ग्रानी दिखेगी तो क्या टॉर्च से मारोगे कि हथियार से मारोगे, पागल हो क्या फ्रैंकलिन? अरे हाँ भाई वो भी बात सही है कि पहले हथियार से मारेंगे, बट मैं पीछे रहूंगा, तुम लोग को टॉर्च दिखाता रहूंगा, तुम भाई आगे आगे आते रहो, मतलब कि चलते रहो भाई। एक सेकंड, मुझे भाई यहीं से लग रही है, वो क्या, यही तो है ग्रैनी, हम लोग को ग्रैनी दिख गई अवेंजर्स, ग्रैनी दिख गई, यही रही। ए, 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 लगता है मेहमान लोग आए हैं, मेहमान नवाजी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अरे वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे क्या फ्रैंकलिन, तुमको साथ में क्या सपने आ रहे हैं, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे भाई साहब वहाँ पे था, मैंने अपने आंखों से देखा, बट यार चलो अंदर चलते हैं। अरे हाँ अंदर चलो, अंदर चलो, तुम रात में अपना सपना अपना फिर वहम होगा तुम्हारा। अरे हाँ भाई ये भी हो सकता है, चलो मैं टॉर्च ऑन कर लियो, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। एक सेकंड, ये क्या है भाई साहब? ओ भाई ये तो भाई किसी का कटा हुआ हाथ पैर है। उड़े बाबा ये तो बहुत ही डेंजर है। अरे ये क्या फ्रैंकलिन, ये तो बहुत ही डेंजर है। अरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कि चारों तरफ से ये सब चीज क्या है भाई, चारों तरफ से कटा हुआ सब चीज, हाथ पैर, भाई ये तो बहुत ही भूतिया फीलिंग आ रहा है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है अंदर आने के बाद। अभी चलो जल्दी चलो भाई, शिनचैन को ढूंढते यहाँ से निकलते, भाई मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। एक सेकंड, ये रही ग्रैनी, ग्रैनी तो मिल गई, शिनचैन को लौटा दो वरना मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूंगा। ठीक है शिनचैन को ले जाओ। एक सेकंड, ग्रैनी कहाँ चली गई? अरे किसी ने ग्रैनी को देखा? अरे फ्रैंकलिन तुम किससे बात कर रहे हो, अंदर तो कोई भी नहीं है, अपने आप से बात कर रहे हो क्या? अरे यार ऐसा क्यों लग रहा है, ग्रैनी सिर्फ मेरे को ही देख पा रही है और किसी को नहीं देख पा रही है, ये चल क्या रहा है? चलो इधर आ जाओ, एक काम करते शिनचैन को जल्दी से पकड़ते। एक सेकंड इसे क्या हो गया? अभी भाई ये तो भाई यार बहुत ही डर लग रहा है, ये ब्लिंक कर रहा था भी। भाई यार चलो जल्दी जाते हैं। एक सेकंड ये नीचे जाता है रास्ता, यहाँ पे कोई है क्या? एक सेकंड यहाँ पे तो शिनचैन है, शिनचैन बेहोश पड़ा है, शिनचैन मैं आ चुका हूँ, तुम्हारा फ्रैंकलिन आ चुका है, यहाँ पे सारे एडवेंचर्स भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा फ्रैंकलिन, शिनचैन मिल चुका है, चलो इसे जल्दी से उठाते। अरे हाँ भाई हाँ, इसे जल्दी से उठाते और भाई लेके चलते, शिनचैन उठ जा। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आप लोग आ गए, लेकिन एक सेकंड आप लोग सारे लोग क्यों आ गए, कुछ लोग बाहर भी रुकते, पता है ग्रैनी का चाल है ये, मतलब कि सबको अंदर बुला लेने का और यहाँ पे कैद कर लेने का। और यार ऐसी बात है क्या, शिनचैन ग्रैनी सिर्फ मुझे दिख रही है, ये लोगों को नहीं दिख रही है। एक काम कर हम लोग सब यहाँ से निकलते हैं। भाई यार चाहे कुछ भी उसका प्लान हो या फिर चालो, हम लोग उसके प्लान में नहीं आने वाले, शिनचैन मिल चुका है गाइस, अब जल्दी से यहाँ से भागते तो वरना बहुत ही दिक्कत होगी। आ जा शिनचैन पीछे पीछे आ जा, सब लोग आ जा शिनचैन। अरे हाँ आया आया सब लोग चलिए। अरे भाई चलो यार चलो सब लोग चलते, भाई यार यहाँ पे तो बहुत ही डर लग रहा है, मतलब कि ग्रैनी आ रही है जा रही है, हो क्या रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर चलते। एक सेकंड ये रास्ता क्या है, चलो जल्दी से बाहर चलते। ये मैं कहाँ आ गया? अरे वाह दोस्तों हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं, मतलब कि फ्रैंकलिन भैया और सब लोग मिलके हम लोग बाहर आ चुके हैं, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो, ग्रैनी का चाल फेल हो गया। ये पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया, चलो जल्दी से बाहर जाता हूँ। एक सेकंड चलो जल्दी से ये वाला घर से बाहर निकलता हूँ, बाकी सारे लोग कहाँ चले गए? अरे वो लोग मेरे बिना ही भाग गए, मैं हल्का सा अंदर क्या फंसा क्या, वो लोग सब भाग गए क्या? चलो ऐसे जल्दी से भागते। एक सेकंड ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे खुल जल्दी खुल दरवाजा, जल्दी खुल। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? भाई यार ये क्या, मैं अंदर लॉक हो गया क्या? बाकी लोग कहाँ पे भाई साहब, बाकी लोग बाहर है क्या? एक सेकंड ये क्या, यहाँ से तो मुझे बाहर कुछ दिख रहा है, एक काम करता हूँ और क्लियर से देखता हूँ भाई बाहर चल क्या रहा है।
एक सेकंड, बाहर तो भाई सिंचन बाकी सब है, और भाई वो क्या, वो तो मेरा हमशक्ल है, उसके ऊपर ग्रैनी भी लटक रही है, मतलब कि भाई ये चल क्या रहा है। भाई यार बाहर में लगता है ग्रैनी मेरा रूप लेकर के बाहर चली गई है, मुझे इस घर में बंद करती है। अरे यार मुझे खोलो, मुझे खोलो, वो ग्रैनी है सिंचन और अवेंजर्स, वो फ्रैंकलिन नहीं है, यहाँ पे हूँ फ्रैंकलिन, वो भाई कोई और है, भैरूपिया ग्रैनी है। अरे भाई साहब मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब क्या करो, मेरे साथ खेलो फ्रैंकलिन। अरे ये क्या, ये किसकी आवाज थी, ओ भाई साहब यहाँ पे ग्रैनी है, भागो 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 भागो, अब मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस यार मुझे कहीं छुपना पड़ेगा, भाई यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गाइस नीचे जल्दी से कमेंट करो कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ग्रैनी के घर से बाहर निकल चुके हैं, और फाइनली यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी निकाले तो नीचे कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों शेयर कर देना, और हाँ अगर आप चैनल में न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।